टीवी 11 के उर्दू खबरनामे में आप तमाम का इस्तकबाल है। जलपल्ली म्यूनसिपालिटी वार्ड नंबर 21 के एरिया में वादे मुस्तफ़ा में मेन ड्रेनेज ना होने की वजह से वहां की आवाम काफ़ी परेशान है। एक तरफ बड़े बड़े दावे वादे करने वाले मुकामी एमएलए और वजीर सबिता इंद्र रेड्डी का एरिया है, यहां की आवाम मुसलसल कई सालों से काफ़ी परेशान है। गुलिस्ता 3 दिन से आई तेज़ी बारिश और एक तरफ बारिश का पानी दूसरी तरफ ड्रेनेज के पानी की वजह से आवाम को काफ़ी मुसीबत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मुकामी आवाम ने मुकामी एमएलए और वजीर सबिता इंद्र रेड्डी के अलावा दीगर सियासतदान से अपील की है कि यहां पर फौरी ड्रेनेज लेन का इंतज़ाम करें, ताकि बारिश का पानी और ड्रेनेज के पानी की वजह से यहाँ की आवाम काफ़ी परेशान है। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे शेख जावेद की एक खास रिपोर्ट। नाजरीन, जो लोग हमारे इस टीवी 11 चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, फौरी यूट्यूब पर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करना ना भूलिए, ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मैं जलपल्ली वादे मुस्तफ़ा से फरजाना बात कर रही हूँ। यहाँ बहुत तकलीफ है पानी की, वार्ड नंबर 21 है ये, और बोलते सो पूरा बाथरूमों का पानी, ड्रेनेज लाइन का पानी पूरा इधर छोड़े हुए है। पहले बारिश का पानी आता था, अब पूरा ड्रेनेज लाइन आ रहा, पूरा पानी चलने नहीं आ रहा। छोटे बच्चे हम लोगों के, बच्चा गिर के हाथ टूट गया हमारा बाजू, बच्चा छोटा मासूम बच्चा है, स्कूलों को जाने सक रहे बच्चे, सांपा फिर रहे बड़े बड़े, खाली पानी नहीं बह रहा, पानी के साथ सांपा जा रहे हैं, घासा इतने उठे हुए है, पैर रखने नहीं आ रहा, चलने नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा। हम लोगों को बहुत तकलीफ है, बुढ़ा इंसान जा नहीं सक रहा, छोटा बच्चा नहीं जा सक रहा, फिर भी बड़े लोग कूद के कैसा कि जा रहे। पर हमारे घर वाले गिर के पूरा हाथ टूट गया उनका, किचड़ में पूरा पानी में गू के, बाथरूम का पानी पूरा जा रहा, बाथरूम जा रहा ऊपर से, कोई भी यहाँ पर पूछने वाले नहीं है। डेंगू मलेरिया चल रहा, टाइफाइड चल रहा, सब चल रहा है यहाँ, सब गलियां हो रहे, मगर ये गली नहीं हो रही कब से की, 23 साल हुआ हम लोग यहाँ आके। पहले खाली बारिश का आता था, अब ड्रेनेज लाइन का आ रहा, बहुत तकलीफ है हमारे को, बहुत मेहरबानी होती आप लोग हमारी गली की, जरा कोशिश करो हमारा गली का पानी रोक दो हमारे। हाँ बोले हम लोग, करते बोल रहे उन्होंने, हो गया करते बोल रहे हम लोगों को, मगर नहीं हो रहा हमारा, सब तरफ हो रहा, हमारी गली बहुत डेंजर हो गई, सब गलियां अच्छे से हो रहे, मगर ये गली है तो इसको नहीं कर रहे। जगह जगह काम चल रहा बोल के आजकल न्यूज़ों में बता रहा सब सामने हो रहा है, अंदर ये डेंजर है, सब गलियों में वादे मुस्तफा में खतरनाक है, क्या वजह है नहीं मालूम हमारे को, सेंक्शन होगा बोल रहे मगर नहीं कर रहे, सामने अच्छे से गलियां कर रहे मगर ये गली नहीं कर रहे, पूरी डेंजर है हमारे घर को, एक मेहमान आ सक रहा ना, एक मोहताज जा सकती, कोई बीमार है तो ऑटो नहीं आ सक रहा, पैदल नहीं जा सक रहे हम लोग, हमारे घर से मेहमान है गांव से है तो घर को नहीं आ सक रहे, वहाँ दूर दूर ठहर रहे हम लोगों को, दूसरों के घर में जाके इंतजाम, बच्ची देखने है तो रिश्ते वाले नहीं आ रहे हमारे घर को, गंदा है बोलो, क्या हमारे बच्चों के रिश्ते नहीं होना, क्या शादियां नहीं होना, यहाँ पर फंक्शन है कैसा करना हम लोग, इतनी मुसीबत में बच्चे स्कूलों को कॉलेजों को अच्छे जगह डाले हम लोग, गाड़ी लेके नहीं जा सक रहे, गाड़ी किसके घर में रखना, रात में दिन में किसके घर में रखना, देखो मासूम बच्चा हमारा, बहन का बच्चा, ये बच्चे का हाथ टूट गया पानी में गिर के, देखो पैर ऐसा हाथ नहीं उठ रहा, चलने जाके बच्चा बाहर खेलने जाके गिर गया कीचड़ में, भूखे पानी में बच्चा है, ये देखो मासूम बच्चा है, देखो ये देखो हाथ नहीं उठ रहा बच्चे का, 2-3 दिन हो गया, किसको बोलना हम लोग, बहुत परेशान है ये गली का, थोड़ा आप मसला हल करो इसका। सलाम वालेकुम, हमारे को अंदर घर है सो अफजल भाई को मालूम है, रोड डालते हैं बोल रहे, पाइपा डालते हैं बोल रहे, कुछ भी नहीं कर रहे अफजल भाई, हर वक्त आए जब बोल रहे अफजल भाई को, कुछ भी नहीं कर रहे, पूरा चलने रास्ता नहीं है, पांव रखने घर में घुस जा रहा पानी हमारे, तो पूरा बस्ती का सबसे हो रहा है, बहुत दिन हुआ हो के भी, हर साल को ऐसी 20 साल हो रहा हम लोग आके भी, पूरी आबादी हमारे सामने हो गई, पनकी नहीं हो रहा, घर वाले है पूरा जाति है हमारा, पनकी कुछ भी नहीं हो रहा हमारे, हाँ इधर से हो रहा बोल रहे हैं अफजल भाई को बोले तो, उधर से हो रहा पहले, इधर आखिर में आता अम्मा बोल रहे, उन्होंने किसी को नुकसान हुआ तो वो इतने पूछ रहे, वो कुछ भी नहीं बोल रहे उन लोग, ये बात है हर वक्त बोल रहे, परसों आए सखत भी बोले, पाइप पान का भी डालो अफजल भाई, हमारी रोड निकालो बोली परसों भी, हाँ अम्मा होता बोल को जा रहे हैं बस इतना। वालेकुम, वादी मुस्तफा वार्ड नंबर 21 से शेख आजम बात कर रहा हूँ। हमारे को यहाँ पर डेनिस लेन का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, यहाँ पर डेनिस लेन क्या है पूरी ओपन छोड़े से, यहाँ पर पूरा पानी जो है ना गलियों के सामने से, गली में से जाता है रोड के ऊपर से घरों के सामने से, उसकी वजह से चलने फिरने के लिए बहुत मुश्किल है अपने को, और घासा जो है ना पूरा 3-3 फीट 4-4 फीट ऊपर घास उठी हुई है रोड पे, बिल्कुल जो है ना चलने की हालत में कोई रोड ही नहीं है समझो अपने को, वो सबसे पोजीशन में है, और डेनिस लेन का काम सेंक्शन हो गया बोल के बोले हमारे काउंसलर साहब, हम ऑलरेडी काउंसलर साहब को बार बार जो है ना कंप्लेन देते जा रहे, बात भी हो रही उनसे, उन्होंने आके देख रहे भी काम होता बोल के बोल रहे, सेंक्शन हो गया बोल रहे, लेकिन काम नहीं हो रहा टाइम पे, काम टाइम पे नहीं होने की वजह हमको मालूम नहीं हो रही, हम कमिश्नर साहब मैडम को भी जाके आज जो है ना कंप्लेन देने वाले है,
पेपर भी लिखा है, लिखे सो है, जाके बताना है, देना है, कंप्लेन देना है, उसके बारे में बात करना है। वजह क्या है काम नहीं रोकने, काम रोकने की? ये कोसा वार्ड लगता है, कोसा म्युनिसिपैलिटी, ये जलपल्ली म्युनिसिपल है, ये वादी मुस्तफा वार्ड नंबर 21 है। ये यहाँ के काउंसलर शेख अफजल साहब है, नुमाइंदा है, उनके वाइफ है काउंसलर, उनके वाइफ है, लेकिन काम पूरा उन्होंने देखते है। ऑलरेडी बोले हम सुबह में, ऑलरेडी हम सुबह में बुला के बताए, देखे है ना पानी जो है ना पूरा रोडों पे से जा रहा, बताए तो उन्होंने बोल रहे हो गया भाई काम, इंस्ट्रूमेंट दे दिए अपन, पेपर हो गया, सब हो गया, खाली जो है ना तख्ती लगाए काम चालू करना है। लेकिन वो कर सकते कुछ रस्ता तो ले, हाँ हम भी वही गुजारिश कर रहे हैं भाई, बार बार हम भी वही तकलीफ में बोलकर बता रहे हैं, पर बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए बहुत परेशानी है चलने फिरने के लिए, निकलने के लिए, और घासों में सांपा है भाई, ऐसा नहीं है कि खाली घास है, खाली पानी हो गया ना, पूरा गंदा पानी है, डेनिस का पानी है, इसमें सांपा फिर रहे हैं, फिर बच्चा चलने करने नहीं आ रहा, निकलने नहीं आ रहा घर से, बड़े बुड्ढों को निकलने नहीं आ रहा, दवाखाने जाने नहीं आ रहा, कहीं आने नहीं आ रहा, रात में तो और डेंजर मंजर हो जा रहा है, यहाँ पर देखने के लायक रहे मेरा, उतनी परेशानी है। हम भी वो बोल रहे हैं काम जल्द से जल्द होना हमारा, बाद में करा, ऊपर है काम होने का है, बाद में कराइए आप, लेकिन जो पहले लेआउट है पानी का, जो निकलने का रास्ता है, मेन रास्ता ये है, पूरे बस्ती का पानी निकलना है तो यहीं से निकलना है, तो पहले जो निकलने का रास्ता है उसका पहले काम करा कि ऊपर का काम बाद में कराओ, 10 कनेक्शन और दियो, 10 लेना और बनाओ, 20 लेना और बढ़ाओ, जितने लेना करना है बस्ती का पूरा काम करो, लेकिन जो निकलने का रास्ता पहले है पहले उसको सही करो, उसको सही करे तो ऊपर का काम होता फिर आपका, आप पहले मेन काम छोड़ दे रहे, ऊपर का काम पहले हो रहा हो, वजह क्या समझ में नहीं आ रही। हम हर किसी को बोल दिए, काउंसलर्स को बोल दिए, लीडर को बोले, हर किसी को बोले, लेकिन काम हमारा जरा जल्द से जल्द होना है बाबू, ये है हमारा काम।